बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामुअलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे सब भाइयों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ इस ज़िंदगी को जिस तरह से उसको गुजारने का हक है अदा कर रहे होंगे और अपने हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी पूरे कर रहे होंगे। आज जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत रिक्वेस्ट मेरी बहुत सारी बहनों ने की, उसके बाद मैंने ये वीडियो मैं बना रही हूँ। जो बना रही हूँ वो इसलिए है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जी ऑर्डिनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर, अब अगर आप मेरी देखें स्किन, अभी लाइट मेरी इतनी इस कमरे में नहीं है, फातिमा का कमरा है, तो आप ये देखें ज़रा, मैं थोड़ी सी लाइट करती हूँ, आप ये देखें कितनी शाइन है मेरे फेस पे। और इस वक्त मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ। अगर आपको याद हो, मैं स्कार्स तो हैं ये, लेकिन ये बहुत कम हो गए। वो हुआ ये है कि 2-3 महीने हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए और बहुत सारी बहनें कह रही थी कि बताएं आप कैसे यूज़ कर रही हैं, इसको किस तरह यूज़ करना है। अच्छा जी, पाकिस्तान में ऑर्डिनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो adore.pk है, वहाँ से मैं ऑर्डर कर रही हूँ। आप अब्रॉड रहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ईजीली मिल जाएंगे। मैं पहले प्रोडक्ट्स आपको बता देती हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने अगर आप मेरी बहन का चैनल फॉलो कर रहे हैं, फारिया बुखारी ऑफिशियल, आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो उसने मुझे ऑर्डिनरी के ये प्रोडक्ट्स पर लगाया। पहले मैं नहीं यूज़ कर रही थी, लेकिन उसने मुझे फिर कन्विंस किया। फिर उसने, मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, नाइसामाइन डाइन है, उसको मैंने यूज़ करने के बाद उससे मेरे स्कार्स बहुत कम आए। उसके नाइसामाइन डाइन जो है, नाइसामाइन डाइन है या पता नहीं क्या है। एनीवेज, ये आप NICIANAMIDE है या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ही स्पेल इसको उसको नहीं कर रहा। अगर आपने इसको ज़्यादा चेक करना है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं या आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मेरी बहन की, वो उसने भी ये ब्लॉग बनाया हुआ है। सो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली है आपके पोर्स के लिए और ये आपके स्कार्स बहुत बेहतर करता है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, जिस विच इज़ वेरी मतलब ये जो ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको पता है, ऑर्डिनरी बुफे, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्किन पे इससे ग्लो आता है, इट्स अ सीरम। और उसके बाद मैं इस पर हल्का सा, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र ऑर्डिनरी का है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करती थी, बट लेकिन जब मुझे ये सूट किया उसके बाद मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रही। नाइट टाइम में मैंने ये ऑर्डर किया है, बुफे कॉपर है ये जी, बुफे कॉपर, यूथफुल स्किन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, और बहुत मतलब अच्छी शाइन कर रही होती है स्किन इससे। मैंने जब से लगाना शुरू किया तब से मेरी स्किन ने शाइन करना शुरू किया। इट्स रियली रियली गुड, द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं ऑब्वियसली कोई मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ इससे पहले कि भाई, जैसे बहुत सारे, एक और मैंने क्रीम सजेस्ट की थी लेकिन वो बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया, बिल्कुल धूप में जाने से वो ख़राब हो गई। उसके साथ ये जी ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन एक ये मिलता है, ठीक है जी, ये रेड कलर का होता है, ये भी आपने मंगा लेना है। अगर आप पहले स्टार्ट करें, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, सूट यू, तो फिर आप ऐसा ऐसा करके ऑर्डर कर लें। पीलिंग सोल्यूशन ये होता है, हफ्ते में मैं एक बार लगाती हूँ, पूरा ड्रॉप्स लगा के पूरा रेड हो जाता है वो। जिस दिन मैं लगाऊंगी उस दिन वो मैं उसका व्लॉग बना लूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डू आई यूज़ नाइसामाइड डाइन। अब ये मैं कहती रहूँगी, ये एन वाला आपको बताती हूँ कि जी एन वाला जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, जो नाइसामाइड डाइन जो ये इसके लिए है, आपके पोर्स के लिए, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हम बुफे लगाएंगे। और ये किस तरह मैं लगाती हूँ, दो तरीके हैं इस तरह के आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको मिनिमम चाहिए होता है। ये आपने लिया, ठीक है जी, इसके अंदर ये देखें इस तरह का ये इसके अंदर है, ये इस तरह आप ड्रॉप्स में, तो वैसे यहाँ पर डायरेक्टली भी कर लेती हूँ, ठीक है, आप ये डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और इसको आप ऐसे ऐसे करके टैप कर लें। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं डालना तो उसका दूसरा तरीका ये है, हथेली पे ऑन योर पाम्स आप इसको डालें, ऐसे दो ड्रॉप्स डालें, दो ड्रॉप्स बहुत हैं,
ठीक है, और ये इसको ऐसे करके जहाँ जहाँ आपके निशान है यू जस्ट पुट इट लाइक दिस इवन, ठीक है जी। अब मैं इसको करती क्या हूँ, मैं इस तरह कर लेती हूँ तो ये जज्ब हो जाता है स्किन में। मैं बहुत ज़्यादा रब नहीं करती हूँ स्किन को, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये मेरी स्किन के अंदर चला जाए। ठीक हो गया, ये आपने लगा लिया। उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएंगे बुफे, ऑर्डिनरी बुफे, ठीक है, ये आप लगा लेंगे। भाई मैं अब ऐसे ही हूँ, मुझे बाद में वीडियो देख के मेरे दोस्त या अब मेरी बहन ने कहना है कि यार तुमसे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही थी या ये नहीं हो रही थी। नहीं हो रही भाई, बहुत सारी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन मतलब सही नहीं होती। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होती। मैं ऐसी हूँ, ठीक है जी। ये मैंने अब उसके ऊपर लगा लिया, थोड़ा आँखों के नीचे भी, नेक पे भी आप लगा लें, ठीक है। और इसको आप अगर जैसे भी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे करके करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। ये डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ओके। और इसके बाद आपने ये लेना, अच्छा ये बिल्कुल एक एक ड्रॉप आपने लेना है, बहुत काफ़ी होता है ये आप मॉइस्चराइजर ले लेना। अगर आप ये नहीं भी लगा रही तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाएंगे ना इन प्रोडक्ट्स के साथ कि आपको धूप में, इवन घर में भी, मतलब अगर आप के पर्दे खुले होते हैं, आजकल धूप भी माशाल्लाह इतनी तेज़ है। ये मैंने इस पर लगा लिया, ये इस सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से आपने मुंह पे लगा लिए, और ये जिस तरह लग रहा है इतना स्टिकी नहीं होता। अभी थोड़ी देर में ये जज्ब हो जाएगी, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं और इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। वुजू जब आप नमाज से पहले वुजू करने के बाद ये कर लें, ताकि ये आपका स्टे रहे एटलीस्ट दो एक घंटे तो रहे, अगर दो घंटे आपका वुजू चल जाता है, ठीक है जी। ये हो गया, उसके बाद कोई भी ये भी मुझे ये फारिया का ही है अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन, ये बनाना बोट का, कोई भी आप SPF इस तरह का लेके जो है ना वो आप लगा लें अगर आप बाहर जा रहे हैं। मैं SPF ज़रा कम लगाती हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन बहुत स्टिकी हो जाती है, मुझे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। सो जी है यू गो, ये आपको अब मैंने बता दिए हैं सारे प्रोडक्ट। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इनके नाम लिख दूँगी, ये सारे प्रोडक्ट्स आप ख़रीद लें, और पहले पहले एक प्रोडक्ट ट्राई करें, अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो उसके बाद आप जो है वो इसको लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें जी, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आई विल अपडेट यू विद अदर थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।